Hey my dear friends, how are you? Hope you are doing very well and enjoying my previous videos which was related to the Muslim law, and this video we are also dealing with the Muslim law. Aap is video ke andar you will get to know about Shia Islam and Sunni Islam. Ye kaise aaye exactly? To iske liye hamare ko ek choti si story jaannni padegi which is related with the Prophet Muhammad. प्रोफेट मोहम्मद कौन थे? जिन्होंने इस्लाम का प्रचार किया, जिन्होंने इस्लाम को एक नए आयाम तक पहुंचाया, जो एक तरीके से उन्होंने इसको स्प्रेड किया. ठीक है, तो हम इसके बारे में जानेंगे. तो प्रोफेट मोहम्मद व्हेन ही वाज बोर्न इन 571 एडी एट मक्का, राइट. तो मक्का से मदीना उनको जाना पड़ा. तो मक्का से मदीना जाने वाले को बोला गया कि दैट वाज हिजारत. जब मक्का से मदीना गए तो उसको हिजारत बोला गया. 507 में ही वाज बोर्न. इन 609 में ही गॉट द फर्स्ट रिवेलेशन, जो कि एंजल गैब्रियल के थ्रू, व्हेन ही वाज डूइंग मेडिटेट इन केव हीरा एट मदीना, वहां पे उन्हें फर्स्ट टाइम रिवेलेशंस मिली. ठीक है, तो उस रिवेलेशंस में एंजल गैब्रियल के थ्रू उनको रिवेलेशंस जो मिली, उन्होंने उसको पब्लिक एट लार्ज पर स्प्रेड किया. उन्होंने बता कर जो चीजें करी, उन्होंने कुछ एक्टिविटी करी, उन्होंने किन्हीं चीजों को ऑब्जेक्ट नहीं किया. तो वो सब चीजें ही जो उन्होंने करी, उनको बोला जाता है सुन्नत, और सुन्नत से ही आए सुन्नी, राइट. सो यू विल गेट टू नो हाउ शिया एंड सुन्नी वर कम इन टू द एग्जिस्टेंस. सो यू विल गेट टू नो कैसे शिया इस्लाम आया और कैसे सुन्नी इस्लाम आया, राइट. तो हम, और जो उनकी डेथ हुई प्रोफेट मोहम्मद की, उनकी 632 एडी में ही वाज डाइड, राइट. प्रोफेट मोहम्मद के फादर थे अब्दुल्ला, उनकी माता का नाम था अमीना, उनके ग्रैंडफादर का नाम था अब्दुल मुतालिब, एंड उनके जो पैटर्नल अंकल थे उनका नाम था अबू तालिब ने ही उनको पाला था, क्योंकि उनके पेरेंट्स वर डाइड इन द अर्लियर एज. तो फर्स्ट उनके ग्रैंडफादर ने उनको रखा, और फिर उसके बाद जब ग्रैंडफादर वाज एक्सपायर्ड तो उनके पैटर्नल अंकल ने उन्हें रखा और पाला परोसा बेसिकली, राइट. सो प्रोफेट मोहम्मद ने, वैसे तो अगर हम देखें तो मैरिज उन्होंने चार करी, तो चार में से हमारे लिए दो ही इम्पोर्टेंट है. द फर्स्ट वाइफ का नाम था खदीजा, एंड सेकेंड एंड थर्ड इज नॉट रिलेवेंट टू अस, एंड फोर्थ वाइफ नेम वॉज आयशा बेगम. तो खदीजा के चार बच्चे हुए, जिसमें से दो लड़के और दो लड़कियां. इनमें से हमारे पास जो एक बड़ी लड़की है, एल्डर डॉटर, वॉज फातिमा. फातिमा मैरिड टू अली, ठीक है. जो एल्डर सिस्टर है, इसने ही जब डेथ हुई प्रोफेट मोहम्मद की, तो इन्होंने बोला कि रूल ऑफ सक्सेशन होना चाहिए. जो उनकी विरासत, जो उनकी चीजों को संभालेगा, वो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ सक्सेशन ही चूज होना चाहिए, और उसी को उनकी विरासत संभालनी चाहिए. वेयर एज अगर हम आयशा बेगम, जो कि फोर्थ वाइफ है, जो माइनर है, 6 ईयर्स ओल्ड थी, उनके फादर्स का नाम था अबू बकर ने डिसाइड किया कि रूल ऑफ इलेक्शन होना चाहिए, कि जो भी लोग हैं, राइट, जो भी लोग एक इंडिविजुअल को डिसाइड करेंगे विल बी कंसीडर एज द हेड ऑफ दैट फैमिली, और विल हैंडल दैट थिंक इन अपकमिंग टाइम्स. जैसे कि आप हमारे नाउडेज अगर आप देखोगे तो अपने ही आसपास में होता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि यार इसको रूल ऑफ इलेक्शन होना चाहिए, कुछ बोलते हैं कि रूल ऑफ सक्सेशन होना चाहिए, जो कि जनरली फैमिलीज में होता है, ठीक है. बट जो रूल ऑफ इलेक्शंस था
जो अबू बकर ने प्रपोजल रखा वो मेजॉरिटी लोगों ने माना, और जो मेजॉरिटी लोगों ने माना वो लोग कहलाए गए सुन्नी। सुन्नी का क्या था कि ये लोग ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, विच इज रिलेटेड विद द ट्रेडिशंस। सो सुन्नत का जो ये जो सुन्नी आया कहां से, सुन्नी आया सुन्नत से। सुन्नत का मतलब जिन्होंने चार निकाह किए, जो प्रोफेट मोहम्मद ने चार निकाह करे, उनसे ये टर्म बना सुन्नत। तो जो रूल ऑफ इलेक्शन है वो डिटरमाइन करता है, जिन्होंने फॉलो किया है वो है हमारा सुन्नत और सुन्नी, वो लोग सुन्नी इस्लाम, ऐसे करके जन्म हुआ। और सेकंड है रूल ऑफ सक्सेशन, रूल ऑफ सक्सेशन जो कि माइनॉरिटी लोगों ने फॉलो किया, और माइनॉरिटी लोगों ने फॉलो किया वो बने शियाज। तो शियाज क्या है, दीज आर द गाइडेड बाय द विजडम ऑफ मोहम्मद डिसेंडेंट्स, जो उनके डिसेंडेंट्स हैं थ्रू हिज सन इन लॉ, जो उनके सन इन लॉ अली थे उनके थ्रू वो चलेगा, जो कि उनके कजन भी थे। ठीक है, तो इनके अंदर बिलीव, जो शिया के अंदर बिलीव माना जाता है, शिया क्या है, ये फॉलो करते हैं इमाम्स को। तो इन्होंने, इनके जो इमाम्स थे वो टोटल 12 इमाम हुए, 12 इमाम एक से लेके 11 इमाम तक तो रहे, जिनके बारे में मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा। 12वें इमाम थे वो इनविजिबल हो गए, गायब हो गए जन्म के बाद। उन्हें ऐसा माना जाता है कि वो एक, जब कुछ काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी धरती पे तब ही विल कम बैक। सो सुन्नी ने जो डिसाइड करा था वो था रूल ऑफ इलेक्शंस। तो रूल ऑफ इलेक्शंस में क्या थे, कैलिफ्स होते हैं। तो इसके अंदर हमारे 5 ही कैलिफ्स हुए। फर्स्ट कैलिफ वॉज अबू बकर, जिन्होंने कुरान को कंपाइल किया। ठीक है, सेकंड हुए उमर, थर्ड हुए उस्मान, जो उस्मान ने रिवाइज्ड किया कुरान को, मींस एनालॉजी डिडक्शंस करके, कुछ एक चीजें जो उसके अंदर ऐसी थी कि आज के टाइम में उसके उस टाइम में नहीं होनी चाहिए थी, वो उन्होंने उनको डिडक्शंस करके उसको रिवाइज किया। फोर्थ हुए अली, जो कि अली के सन थे। फिफ्थ कैलिफ वॉज हसन, वैसे अली के दो बच्चे थे, हसन एंड हुसैन। फिफ्थ कैलिफ वॉज हसन, एंड जो हुसैन हुए थे वो थे इमाम, इमाम बने थे। ठीक है, जिन्होंने ओवर द प्रोफेट मोहम्मद की जो रिजाइन थी उनको संभाला था। इमाम्स, इमाम ने बिलीव करा शिया ने। शियास कौन थे, जिन्होंने रूल ऑफ सक्सेशन को चूज किया। तो इसके अंदर थे 12 इमाम। पहले इमाम बने अली, अली के दो बेटे थे हसन और हुसैन। तो सेकंड इमाम बने हसन और थर्ड इमाम बने हुसैन। हुसैन का जो लड़का था जैन उल अब्दीन फोर्थ इमाम बना। फोर्थ इमाम के बाद इन फोर्थ इमाम के दो लड़के हुए जायद इन मोहम्मद अल बकीर। जायद डिफेक्टर निकला और शियास का, जिसने सियास के अंदर बिलीव ही नहीं किया, और उसने एक नया फाउंडेशन रखा जायद स्कूल का। सिक्स्थ इमाम थे जफर सिद्दीकी। जफर सिद्दीकी के दो बेटे हुए, वन इज इस्माइल एंड अदर इज मूसा कासिम। इस्माइल ने अपना एक अलग से ही फाउंडेशन रखा, जिसने इस्लामिया स्कूल का, इस्लामिया स्कूल की नींव रखी। जो सेवंथ इमाम बने वो थे मूसा काजिम। मूसा काजिम के बाद 8th, 9th, 10th और 11th इमाम इज नॉट रिलेवेंट, विच इज नॉट पार्ट ऑफ आर स्टडी। 12th इमाम बने मोहम्मद अल मुतजर, जो कि डिसअपियर्ड और इनविजिबल हो गए। जो इमाम्स में बिलीव रखते हैं उन्होंने एक स्कूल बनाया, इतना आचार्य स्कूल। सो थैंक यू सो मच फॉर